हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली का पेज दिया है, जिसमें हमें रिपोर्ट्स में जाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसके ऊपर एंटर प्रेस करिए। इस तरह से आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो अभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा रहा है। अगर आपको इसकी जगह पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर चाहिए तो एस्केप करिए। अभी स्क्रीन के राइट हैंड साइड में कंपनी फीचर्स है, या फिर F11 करके भी आप उसको ओपन कर सकते हो। उसमें अकाउंटिंग फीचर में जाना रहेगा, एंटर करिए। इस तरह से अकाउंटिंग फीचर की आपके सामने विंडो आ जाएगी, जिसमें जनरल में आपको सबसे पहले दिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ P&L। वहाँ पर हम यस कर देंगे। यस करके आप उसको एक्सेप्ट करवा दीजिए एंटर प्रेस करके। इस तरह से एक्सेप्ट करवा दिया। अगेन हम एस्केप करेंगे गेटवे ऑफ टैली में आने के लिए। यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स में इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट आपको दिखा रहा है, उस पर आप एंटर करिए। जैसे ही आप एंटर करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे आपको यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट दिखा रहा है। आप देख सकते हो ऊपर आपको टाइटल में इनकम एंड एक्सपेंडिचर सेटलमेंट ऑप्शन दिखा रहा है, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स दिए हैं। परचेज है तो परचेज को मंथ वाइज आपको देखना है, तो इस तरह से आपको परचेज की मंथ वाइज डिटेल दी हुई है, एवरी मंथ आपने कितना परचेज किया है। उसी तरह से आपको क्वार्टरली देखना है तो स्क्रीन के राइट हैंड साइड में दिया है, वहाँ से आप F5 प्रेस करिए ऑल्ट के साथ में, तो क्वार्टरली आप देख पाओगे। अगेन क्वार्टरली को हटाना है, मंथली देखना है तो आप मंथली कर सकते हो, तो आपको सारे मंथ का दिखाएंगे परचेज की डिटेल। उसी तरह से आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस दी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस देखनी है, सेल्स अकाउंट देखना है तो स्क्रीन के राइट हैंड साइड में आपको सेल्स अकाउंट की डिटेल भी दी है, एक्सपेंडिचर डिटेल भी दी है। अगर आपको डिटेल फॉर्म में देखना है तो F1 करिए, ऑल्ट के साथ डिटेल फॉर्म में दिया जाएगा। अगर आपको कंटेंट फॉर्म में देखना है तो अगेन ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करिए तो कंटेंट फॉर्म में आएगा, या फिर स्क्रीन के राइट हैंड साइड में आपको दिया है वहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करिए। उसके बाद F2 है पीरियड चेंज करने के लिए। आपको पीरियड वाइज डिटेल लेनी है तो आप यहाँ से पीरियड मेंशन करिए, जैसे हम यहाँ से कर रहे हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2013-14। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2013-14 की डिटेल आपको दिखा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। अगेन हम एस्केप करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर की जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस के लिए F11 करते हैं, कंपनी फीचर्स में अकाउंटिंग फीचर सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ से जनरल में इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट को नो कर देते हैं और एक्सेप्ट करवा लेते हैं फीचर्स को। जैसे ही हमने एक्सेप्ट करवाया एस्केप करिए। यहाँ पे आप देख सकते हो रिपोर्ट्स में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाई दे रहा है, यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर हट के प्रॉफिट एंड लॉस वो सेट हो गया है। तो अभी आप वही सेम प्रोसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे भी अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पे परचेस अकाउंट दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट, सेल्स अकाउंट, ये सारी डिटेल आपको इस तरह से दी हुई है। अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो F1 प्रेस करिए ऑल्ट के साथ, तो डिटेल फॉर्म में दिखाएगा। कंटेंट फॉर्म के लिए अगेन हम F1 पर प्रेस करते हैं, कंटेंट फॉर्म में दिखाएगा। अगर आपको किसी, जैसे कि प्रॉफिट दिया है, परचेज दिया है, सेल्स दिया है, उसको डिपली देखना है तो हम सेल्स सेलेक्ट करके सेल्स के अंदर सारी डिटेल्स देख रहे हैं। अगर इसी को क्वार्टरली देखना है तो क्वार्टरली हम सेलेक्ट करेंगे, स्क्रीन के राइट हैंड साइड में F5 है तो आपको क्वार्टरली डिटेल दिया जाएगा, यानी 4 मंथ की डिटेल। और मंथली करना है तो हम मंथली भी कर सकते हैं, एस्केप करके हम बाहर आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कन्फिग्रेशन दिया है स्क्रीन के राइट हैंड साइड में, या फिर F12 करके आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी कर सकते हो। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे चेंज किया, हॉरिजॉन्टल की जगह पे हमने यहाँ पे वर्टिकली सेट किया। और यहाँ से अगर हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिखाना है, ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स दिए हैं। अगर आपको कोई भी डिटेल सेलेक्ट करनी है स्केल फैक्टर के लिए तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो। आप देख सकते हो हमने परसेंटेज मेंटेन किया है, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज में डिटेल दिखा रहा है कॉन्फ़िगरेशंस में। थैंक यू।